लास्ट क्लास हम लोग ने लॉग का वर्कशीट स्टार्ट किया था, आई गेस 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को खुद से करने बोला था, मैं लिखती हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लो। 9A, प्रूव दैट, इसलिए LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉग ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर बाई ए बी, क्योंकि प्लस है तो सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी। ऊपर में ए स्क्वायर है, नीचे भी 2 है, कैंसिल। ऊपर बी स्क्वायर, नीचे भी 2b, कैंसिल। ऊपर सी स्क्वायर, नीचे भी 2c, कैंसिल। सो सारे कैंसिल होके 1 बचेगा एंड लॉग 1 इज 0। बी LHS 1 by log ए बी बेस ए प्लस 1 by log ए बी बेस बी। जब आप रेसिप्रोकल करोगे इसे तो क्या हो जाएगा, नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो लॉग ए बेस ए बी प्लस लॉग बी बेस ए बी, दोनों का बेस सेम तो आंसर का भी बेस सेम, बीच में प्लस इसलिए ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई, ए बी बेस ए बी हो जाएगा 1। आपने खुद से क्या कहूंगा। सी सिमिलर है, बस 3 टर्म। 1 by log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई प्लस 1 by log एक्स वाई जेड बेस वाई जेड प्लस 1 by log एक्स वाई जेड बेस जेड एक्स। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो लॉग एक्स वाई बेस में एक्स वाई जेड प्लस लॉग वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड प्लस लॉग जेड एक्स बेस में एक्स वाई जेड, तीनों का बेस सेम इसलिए आंसर का भी बेस सेम, और बीच में प्लस है इसलिए सारे मल्टीप्लाई होंगे। सो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, मल्टीप्लाई करके ऊपर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में मैं उसे बेस को देखते हुए एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। जो भी पावर होता है लॉग के आगे वाले नंबर का वो कहाँ जाता है, आगे फ्रंट में आ जाएगा, 2 log एक्स वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा। सो आंसर बचा 2 विच इज योर RHS। क्लियर। नंबर डी, डी और ये तो बहुत बेसिक्स है। लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए, ये LHS है। आप इसे लिख सकते हो लॉग ए बाई लॉग बी, इसे लॉग बी बाई लॉग सी बाई लॉग ए, सारे कैंसिल हो गए 1। दो दो में लगाना होगा, एक बार में तीनों में नहीं लगेगा, बीबी कैंसिल ए और सी, वो दो में लगेगा एक बार में। फिर लास्ट में लॉग ए बेस से या कुछ बचेगा विच विल बी, काट के मत दिखाना, मन में काट, ठीक है। नंबर ई, LHS लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी, सेम चीज। आप इसे लॉग ए बाई लॉग बी बाई लॉग सी एंड लॉग सी बाई लॉग डी लिख सकते हो, सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा लॉग ए बाई लॉग डी, ये क्या बन जाएगा, जो अपना RHS है उसको देखते हुए लॉग ए बेस डी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग सब।
क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को ये प्रूफ करने थे, x टू द पावर log y माइनस log z, y टू द पावर log z माइनस log x, z टू द पावर log x माइनस log y, इसका वैल्यू 1 दिखाना। बताइए क्या कर सकते हैं? बाकी लोग अच्छा दोनों में आ रही हूँ। पहले आपका, आपने बोला log y माइनस log z को log y बाई z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वाला में log z बाई x, थर्ड वाला में log x बाई y, उसके बाद क्या? आपका, आपने जो बोला बेस वाला चीज भूमि कि सब सारा पावर्स ऐड हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये कब होता था? ऑल बेस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड, बेस सेम है तो ये तो नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में क्योंकि ना तो बेस सेम है आपका, ना ही आपका पावर सेम है कि पावर्स को कॉमन ले। जब भी ये क्वेश्चन लॉग का है, ये तो दिख रहा है, बेस में तो एक ही है एक्स वाई जेड। एक्सपोनेंट में होता था ना, अगर टू पावर ए इंटू टू पावर बी तो टू पावर ए प्लस बी लिखते थे वो वाला। यहाँ पे क्योंकि सारे एक्सपोनेंट का बेस अलग है, यू कैन नॉट अप्लाई एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, और ना ही पावर सेम है कि आप पावर कॉमन ले। तो जब भी लॉग में, लॉग की किसी भी सम में आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ कि ना तो बेस सेम हो रहा है, ना ही ऊपर का पावर सेम हो रहा है, तो आप क्या करते हो, जो भी प्रूफ करने दिया है ना उससे मॉडिफाई करते हो। और ये हर बार हो, कभी भी अगर आपके पास जो भी चीज या तो गिवन है वो अप्लाई नहीं हो रहा, या फिर आपका बेस और पावर में कुछ भी सेम नहीं आ रहा, आप वो वाला में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हो, तब आपका जो भी प्रूफ दैट है उसमें थोड़ा सा वेट मॉडिफिकेशन करो। तो मुझे कायदे से ये प्रूफ करने दिया था, मैं मेरा टू प्रूफ ही चेंज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड में लॉग लगा रही हूँ। लॉग ऑफ दिस इक्वल लॉग वन, मुझे ये दिखाना है। एंड व्हाट इज लॉग वन? सो बेसिकली मुझे दिखाना है दैट लॉग ऑफ दिस एंटायर टर्म शुड बी जीरो, व्हिच लुक्स मच मोर इजीयर टू मी बिकॉज आई कैन अप्लाई सम प्रॉपर्टीज। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे इंस्टेड ऑफ प्रूविंग द फर्स्ट लाइन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम गोना प्रूव द सेकंड लाइन व्हिच आई हैव मॉडिफाइड। क्लियर? सो LHS log x log y ये, अब देखो log ये एक टर्म है a इंटू b इंटू c। So log a b c को हम क्या लिख सकते हैं? log a b को क्या लिखते हैं? log a plus log b। log a b c को क्या लिखेंगे? log a plus log b plus log c। क्लियर ये बात? हम लोगों का जो फर्स्ट फॉर्मूला था हम लोग उल्टा लिखते थे यूजुअली, कि log a plus log b log a b होता है, उल्टा। log a b को मैं log a plus log b लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा log पहला टर्म log y minus log z plus log b y to the power log z minus log x plus log z to the power log x minus log y। ठीक है? केला log a plus log b plus log c, फिर से log का प्रॉपर्टी, जो भी चीज पावर में होता है वो फ्रंट में आता है, तो ये पूरा का पूरा पावर में, ये पूरा का पूरा फ्रंट में आएगा, किसके फ्रंट में आएगा? log x। तो log x तो सिंगल टर्म है, उसको ब्रैकेट में लिख के मैं क्या ही करूंगी, इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ जो दो टर्म वाला है। ठीक है? प्लस सेम चीज यहाँ पे log z माइनस log x इंटू log y प्लस log x माइनस log y log z।
ठीक है। अब नॉर्मल जो एल्जेब्रा में हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, वही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। पहला में क्या आएगा, log y into log x, इसको कुछ नहीं लिख सकते आप, यही लिखा जा सकता, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ। माइनस log z log x प्लस log z log y माइनस log x log y प्लस log x log z माइनस log y log z, ठीक है। अब देखो log y into log x into log y, बात तो एक ही है, कट गया। log x log z, एक माइनस है एक प्लस है। log y log z, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस माइनस में सब कैंसिल होते हैं तो क्या बचता है, जीरो इक्वल्स टू आर एच एस। डिवीजन में सब कटता है तो वन बचता है। सब क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप से होगा, सब क्वेश्चन के लिए अलग टाइप, एक पैटर्न है। अब जैसे ये पैटर्न शुरू हुआ तो आगे ये बहुत देर तक रहेगा। ये मतलब ऐसा कुछ सब में ये ऐसा टाइप का आने से यही करना। अगर आपके पास जो भी गिवन है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, या आप डायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी ना एक्सपोनेंट का लगा पा रहे हो नहीं लॉग का, सो प्रूव दैट इज इट करो हर बार, ठीक है। ब्रैकेट का तो मल्टीप्लाई में था ना, बाहर निकला तो प्लस हो गया।
लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग क्या के अगर एक ही लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है वो तभी होता है जब दो लॉग ऐड हो रहा होता है। कुछ याद आया? रोज पढ़ता नहीं है तो से। हाँ सिर्फ तब, ये लास्ट रिसोर्ट होता है व्हेन आर नॉट एबल टू पुट एनी वैल्यू, रिप्लेस एनी वैल्यू या कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं अप्लाई कर पा रहे, देन इट्स अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ कर पा रहे तो वही सब तब ये नहीं करेंगे, एक साइड तो कर ही नहीं सकते कुछ भी, जो भी होगा दोनों साइड ही होगा, एक साइड कभी कुछ नहीं होगा। हो गया था निश्चित? पढ़िए नेक्स्ट 11। पहले प्लान करो, मुझे बताओ कैसे करो, आपने आपको आता आपको 11। तनिष्य वाला वो कैसे? What is given? पहला question. A square plus B square equals to 7AB. ठीक है? 11 में वो हमारे पास है और हमें प्रूफ करना है पहले 2 log A minus B is log 5 plus log A plus log. हाँ बोल, कौन सा A और B का वैल्यू निकालने बोल रहा था? 11 given. हाँ अब कोई वैल्यू ढूंढने का जो बोल रहे थे क्या क्या सिंपलीफाई करें, वो तो प्रूफ है, वो चीज तो हमें प्रूफ करना है। ये जो गिवन है इस स्टेटमेंट को यूज करके अपने को प्रूफ करना है कि 2 log a minus b is equals to log 5 plus log a plus b. ठीक है, एक चीज देखो, यू नीड टू टेक हिंट्स। जैसे यहाँ पे तो लॉग का या इंडाइसेस का कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा, तो देखो प्रूफ दैट आपको कोई हिंट दे रहा है। प्रूफ दैट को हल्का सा सिंपलीफाई मन में करो। प्रूफ दैट में आरएचएस में क्या, लॉग 5 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 ए बी। सो बेसिकली यू नीड 5 ए बी इंस्टेड ऑफ 7 ए बी। तो 7 ए बी को 5 ए बी कैसे बनाते हैं, माइनस 2 ए बी। अब मुझे RHS में 5 AB चाहिए, इसलिए मैंने उधर तो माइनस 2 AB कर दिया, पर ऐसे थोड़ी कर सकते कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड में अचानक से कुछ माइनस कर दिया। जो भी आप करोगे वो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं को 5 AB चाहिए था, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में माइनस 2 AB किया, तो वो सेम चीज मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अग्री कर रहे हो इस बात से? बोलिए। हाँ यहाँ तक क्लियर? सो राइट हैंड साइड में आ गया 5 ए बी, लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब 5 ए बी है, हमें लॉग चाहिए था, दोनों साइड सिंगल सिंगल टर्म आ गया, लॉग ले लो। लॉग काटना हो या फिर लॉग लगाना हो, सिंगल टर्म होने से ही लगता है। तो मैं अब यहाँ पे दोनों साइड में लॉग लगा सकती हूँ, क्या ये लाइन ठीक है? अब ये जो 2 है, देखो आप अपने प्रूफ दैट को देखते रहो, ये 2 आपको पावर में चाहिए, प्रूफ दैट में देखो चाहिए, कहाँ ले जाऊं, फ्रंट में, क्या बन जाएगा 2 log a माइनस बी। अब प्रूफ दैट के राइट हैंड साइड को और हमारे राइट हैंड साइड को देखो, मैं क्या करूँ log 5 ab को एक्सपांड कर देते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन प्लस में खुलेगा, log 5 प्लस log a प्लस लॉग बी, यही अपने को प्रूफ करना है। आपका प्रूफ दैट आपको गाइड करना है। इसमें ऐसे आरएचएस एलएचएस मतलब प्रूफ दैट में जरूरी नहीं, आरएचएस नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट गिवन से भी निकाल सकते हो, विच विल बी नहीं, प्रूफ दैट को लेके नहीं कर सकते। हां लेफ्ट हैंड साइड लेके वो इस सम में तो होगा, नेक्स्ट में नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो कि 2 log a माइनस बी को लिखा, log a माइनस बी का स्क्वायर, फिर उसको खोला, उसमें a square plus b square remove, डाला, substitute किया, वही बोल रहे,
वो इसमें तो कर दोगे, बी में नहीं, इसलिए ये मेथड विद दिस कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी सम। आपका वाला वो तरीका इस सम के लिए कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इसी से बी ट्राई करो। बी के लिए भी गिवन सेम है, इसी स्टेटमेंट से अब आपको वो प्रूफ करना है। थोड़ा सा कोशिश करिए आप लोग, इस सेम स्टेटमेंट से इस बार आपको वो प्रूफ करना है। लॉग ए प्लस बी बाई थ्री, वन बाई थ्री ए प्लस बी सेम एज ए प्लस बी बाई थ्री, उसे प्रूफ करना है। हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी, थोड़ा सोचिए करिए। Take hints from the proof. थोड़ा backwards जाओ proof that से, तो आपको पता चलेगा कि given के साथ क्या करना। आप एक बार अपना प्रूफ दैट देखो, लॉग ए प्लस बी बाई थ्री इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस बी लॉग बी, तो उसको लॉग ए भी लिख सकते हैं। अगर आप हाफ यहाँ ले जाते हो तो रूट ओवर हो जाएगा, वो करो। या हाफ को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो टू लॉग ऑफ दैट हो जाएगा, और वो टू कहाँ जाएगा, पावर में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पिछली बार हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए था। आप हाफ अगर पावर में ले जाओगे ए बी के तो रूट ए बी हो जाएगा ना। लॉग ए बी हाफ तो वैसे बना, लॉग ए बी बाय 2 होगा ना, बाय 2 क्यों होगा, लॉग ए तो अब आरएचएस का बोल रहे हैं ना। हाँ, तो अगर ये लॉग ए का लॉग ए बी हो गया तो इसका हाफ ही होगा ना, इसका मतलब तो हाफ लॉग मुझे ब्रैकेट में जो दिया है इसकी हो गया लॉग ए बी, तो ये जो इसका मतलब है ना हाफ ऑफ लॉग ए बी हो गया ना। हाँ, तो ये हाफ कहाँ से आएगा, वो पावर से ही तो आता है। पावर में जो भी नंबर होता है उसे हम आगे लिखते हैं। हाँ, तो मैं आगे जो भी नंबर है उसे पावर में भी तो भेज सकती हूँ, तो रूट ए भी तो हो गया वो। हाँ, तो उसको या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बाद में, नहीं तो डायरेक्टली सोच सकते हो कि टू इधर गया और फिर वो पावर में गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। पिछली बार आप देखो प्रूफ में था ए माइनस बी, तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए था, जिसके लिए हम लोग ने माइनस टू ए बी किया। इस बार आपको a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दो ही चीज कर सकते हो, या तो आप प्लस टू ए बी कर रहे होगे या माइनस टू ए बी कर रहे होगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रूफ में। तो अब आप दोनों साइड प्लस टू ए बी करो। प्लस ट्वाइस ए बी, यहाँ पे भी सेवन ए बी प्लस ट्वाइस ए बी। लेफ्ट हैंड साइड को मैं अब क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स नाइन ए बी। एक मिनट सब इधर, आप अपने प्रूफ दैट को देखो, क्या मैं यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लू, राइट हैंड साइड में क्या था, खाली ए और बी था, पर मेरे राइट हैंड साइड में कौन है, नाइन भी है एक एक्स्ट्रा। क्या आपको नाइन राइट साइड में चाहिए, नहीं, तो नाइन को इधर ले जाओ, क्यों, क्योंकि वो प्रूफ में नहीं था। तो मैं अगर नाइन को इधर ले आती हूँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई नाइन इक्वल्स टू ए बी आएगा। हाँ, नाइन को ऐसे रख के मैं करूंगी क्या, क्योंकि देखो आपके एलएचएस में भी नाइन नहीं, एलएचएस में कौन है, थ्री, तो हम लोग नाइन को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग लेना होगा, वो सब प्रॉपर्टी तो लॉग में होता है ना, तो
दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, लॉग ए प्लस बी बाई थ्री का होल स्क्वायर, लॉग ए बी, ठीक है लाइन। अब जो पावर है वो फ्रंट में आएगा, सो टू लॉग ए प्लस बी बाई थ्री, तो या पहली बिजनेस भी चलेगा, लॉग ए बी को लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी। अब देखो प्रूव दैट में टू लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड है, तो इसमें आज सच में कोई लॉग का प्रॉपर्टी नहीं लगा रही, नॉर्मल अलजेब्रा, टू लेफ्ट साइड था, जब राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, सो लॉग ए प्लस बी बाई थ्री इक्वल्स हाफ लॉग ए प्लस लॉग, तो पावर में हाफ चला जाता है। गाइस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्या है, लॉग हाफ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई बाई टू लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आपको प्रूफ करने दिया एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब मुझे लॉग तो रिमूव करना ही है, लॉग रिमूव करने के लिए दोनों साइड में सिंगल लॉग होना पड़ता है, तो इधर तो एक ही लॉग है तो इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इधर हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को क्या लिख सकते हैं, और फिर ये जो हाफ है ये कहाँ जाएगा, या तो लेफ्ट साइड भेज सकते हो नहीं तो पावर में भेज सकते हो, तो लॉग एक्स वाई टू द पावर हाफ हो जाएगा, ये लाइन ठीक है, लॉग लॉग काट सकती हूँ मैं क्योंकि अब दोनों साइड सिंगल टर्म हो गया, सो एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू रूट एक्स वाई। हाँ इसको हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर equals एक्स वाई, ठीक है। अब लेफ्ट में होल स्क्वायर खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाई फोर इक्वल्स टू एक्स वाई, देखो ये लाइन ठीक है, फोर को उधर भेज रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल फोर एक्स वाई। अब क्या करें, तो x square plus y square plus 2xy minus 4xy equals to 0. So x square plus y square minus 2xy equals to 0. Left side वाले को क्या लिख सकते हो, x minus y whole square equals to 0. अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 होता है तो हम बोलते हैं वो नंबर या तो 2 होगा या तो माइनस 2, पर अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो होता है तो वो नंबर कौन होगा, जीरो, खाली एक जीरो ही है जिसका स्क्वायर जीरो होता है, और किसी नंबर को तो स्क्वायर करने से जीरो आएगा नहीं, तो अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर जीरो है ये कब होगा, जब x माइनस वाई खुद जीरो है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं, या ऐसे सोच सकते हो कि इधर पावर टू था उधर गया तो पावर हाफ हुआ, यानी रूट जीरो, रूट जीरो कितना होता है, जीरो, सो y उधर गया x इक्वल्स टू। स्क्वायर रूट ही है, क्यूब रूट हो तो पावर में 1/3 आएगा, कुछ नहीं लिखा होता जब रूट में तो 2 ही होता, स्क्वायर रूट खाली 2 तब तो होल स्क्वायर हो गया।
नहीं, पावर में जाता है, नीचे से जाता है ना। कभी नहीं जाता है, कौन बता रहा है सब। जा सकता है, लेकिन अगर आप बेस में दे दोगे तो आप बाद में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि बेस बदल जाएगा। दोनों साइड का सेम बेस रहता तो ही प्रॉब्लम। मेरे भी सेम बेस थी ना। हुआ 13 हो गया। सिमिलर है, लॉग एक्स प्लस वाई बाई थ्री इक्वल्स हाफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सो ये हो गया लॉग, ये तो ऑलरेडी सिंगल लॉग है, इसको तो छेड़ना नहीं है। उधर में हाफ, पहले इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई, वो हाफ पावर में जाएगा, लॉग एक्स वाई टू द पावर हाफ, लॉग लॉग कैंसिल हो गया। सो एक्स प्लस वाई बाई थ्री इक्वल्स रूट एक्स वाई बचा। रूट हटाने के लिए स्क्वेरिंग बोथ साइड किया। सो एक्स प्लस वाई बाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई, होल स्क्वायर खोल रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाई नाइन equals x y, ठीक है। so x square plus y square plus 2xy equals to 9xy, 9xy जब इधर आएगा या 2xy जब उधर जाएगा तो 7xy हो जाएगा। अब आप अपना प्रूफ दर देखो, राइट साइड में मुझे अकेला 7 चाहिए, आई डोंट वांट xy। इन ऑर्डर टू रिमूव xy सभी चीजों को xy से डिवाइड कर दो, या ऐसा सोच लो उधर वाला xy जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई, वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 7। हर एक टर्म को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे एक एक एक्स कटा, ऊपर नीचे, ऊपर एक एक्स बचा, नीचे एक वाई, फिर यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हुआ, ऊपर वाई बचा, नीचे एक्स। समझ आया? आप जब ऐसे सोच सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 7 और फिर बांट दिया दोनों को। ठीक है,
14 में पहले जो गिवन है वो देखते हैं. गिवन log a by y minus z equal log b by z minus x log c by x minus y. हम लोग ने एक्सपोनेंट्स में एक चीज पढ़ा था कि अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे इक्वल्स टू होता है तो हम क्या करते हैं, k लेट लेते हैं. तो यहाँ पे भी वो सेम लॉजिक अप्लाई होगा, इसे k लेट लिया. दैट मींस ईच एंड एवरी रेशियो इज इक्वल टू k. तो अगर log a by y minus z k है तो आप वहां से log a को क्या लिख सकते हो, k into y minus z हो जाएगा. फिर log b को क्या लिख सकते हो, log c. ये लाइन समझ आया है क्या? ठीक है, अब आप अपना प्रूफ दैट देखो. आपको प्रूफ करने बोला है a में a पावर x, b पावर y, c पावर z, दिस इज वन. और आपके पास जो वैल्यूज है वो है log a, log b और log c का. व्हाट विल यू डू? बोथ साइड लॉग, वापस सेम चीज, क्योंकि आप इसमें सेम बेस नहीं है, सेम पावर नहीं है, ना वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे, राइट? इसलिए आप टू प्रूफ में पहले दोनों साइड को लॉग दे दो. तो राइट साइड हो गया लॉग वन. व्हाट इज लॉग वन? सो बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है. अब एलएचएस, एलएचएस है आपका लॉग a पावर x, b पावर y, c पावर z. मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? log a पावर x प्लस log व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? पावर्स जो है वो फ्रंट में आएगा. सो x log a प्लस y log b प्लस z log c. अब क्या करें, सारा वैल्यूज रिप्लेस. So, x log a के जगह k y माइनस z, फिर y log b के जगह k z माइनस x, फिर z log c के जगह k x माइनस y. अब नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, k x y माइनस k x z, k y z माइनस k x y प्लस k x z माइनस के वाई जेड. सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखो एक्स वाई और एक्स वाई गया, एक्स जेड और जेड एक्स गया, वाई जेड और वाई जेड गया. सो सब कैंसिल होके सी. क्लियर है क्या? सेम खुद से बी करिए, बी खुद से करिए.
बी में क्या करोगे, बी के लिए भी वो सेम चीज गिवन है, आपके पास लॉग ए बाय वाई माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग बी बाय जेड माइनस एक्स, तो उसको के लेट लिया, लॉग ए लॉग बी लॉग सी का वैल्यू आ गया, वो वाला पार्ट तो सेम है। अब हमें बी में प्रूफ करने बोला है ए टू द पावर वाई प्लस जेड, बी टू द पावर जेड प्लस एक्स, सी टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसे वन प्रूफ करना है। क्या करोगे, फिर से लॉग, क्योंकि आपके पास लॉग ए लॉग बी और लॉग सी का वैल्यू, वो तो यहाँ पुट नहीं हो पाएगा, ना बेस सेम ना पावर सेम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो वापस से सेम कंसेप्ट, दोनों साइड पहले लॉग लगा दो, उधर हो गया वन, लॉग वन यानी जीरो। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, इसके एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, लॉग ए टू द पावर वाई प्लस जेड, b to the power z plus x, c to the power x plus y. What will be our first step? Plus में लिखते हम लोग, log a to the power y plus z plus log b to the power z plus x plus log c to the power x plus y. What will be our next step? सारे powers front में, so y plus z क्योंकि दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट में बचा log a, z plus x log b, x plus y log c. अब क्या करूं, सारे वैल्यूज रिप्लेस कर देते log a log b log c का, y plus z k y minus z, z plus x k z minus x, x plus y k x minus y. अब देखो k तो सभी में, y plus z into y minus z करोगे तो क्या आएगा, y square minus z square, मैंने सब में k कॉमन ले लिया, प्लस सेकेंड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले में मैंने सभी का k जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, सो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, z गया, x गया और ये y गया, so k into 0, 0, which is your RHS. आप लोग का आया, करिए फिफ्टीन और सिक्सटीन जो है, सिक्सटीन तो इंडाइसेस का ही सम है, लॉग का सम ही नहीं है, भूल से इसमें आया हुआ है, फिफ्टीन आप लोग खुद से करो, फिफ्टीन इज प्योर इंडाइसेस वाला सम एकदम। जितको दिक्कत, हम लोग ने आरएचएस ठीक किया था ना, ए बेस ए पावर कौन सा, लॉग में, लॉग बीसीडी ऊपर बेस में ए,
बेस सेम नहीं ना, 15 a पावर x इक्वल b पावर y इक्वल c पावर z इक्वल d पावर w. एक ही इक्वेशन में इतने सारे इक्वल्स टू क्या करते हैं k, तो यहां से a कितना आएगा k टू द पावर 1 बाय x, b c एंड d. सो LHS आपको बोला है log bcd बेस में a. सो b के जगह k पावर 1 बाय y, c के जगह k पावर 1 बाय z, d के जगह k पावर 1 बाय w और a है k पावर 1 बाय x. ऊपर में सेम बेस मल्टीप्लाई पावर्स, सो log k टू द पावर 1 बाय y प्लस 1 बाय z प्लस 1 बाय w और नीचे k टू द पावर 1 बाय x. जो भी पावर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऊपर का पावर ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे का पावर डिनोमिनेटर में फ्रंट में. सो 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय डब्ल्यू 1 बाय एक्स लॉग के बेस के. व्हाट विल बी लॉग के बेस के? और ये एक्स जो है ये ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स इंटू 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय. इंडेक्सेस कर दो ऐसे. सिक्सटीन एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन ही नहीं है, रिपीट हुआ है वो नहीं करेंगे. 17 करो आप लोग खुद से. अच्छा क्वेश्चन क्या हुआ? कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट होता है किसका पता नहीं. हाउ डज इट चेंज योर अप्रोच? छोटा ही करना होता है. लॉग अंडर रूट 27 प्लस लॉग 8 माइनस लॉग अंडर रूट 1000 divided by log 1.2, 1.8. करिए ट्राई. कहीं नहीं जाएंगे. क्यों? क्या करेंगे जी? फर्स्ट है होता ही नहीं कैसे. सबसे पहले जब आप रूट ओवर हटाओगे तो ये हो जाएगा 27 पावर में हाफ. हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और रूट में 1000 टू द पावर हाफ. ठीक है यहाँ तक? 1.2 हो गया 12 बाई 10. ठीक है, 1000 का रूट होता ही नहीं है, क्यूब रूट होगा ना.
27 है 3 क्यूब, यहाँ पे 3 फ्रंट में आ जाएगा, यहाँ पे हाफ फ्रंट में आया। नहीं भी लाना चाहते हो तो आप 1000 को 10 क्यूब भी लिख सकते हो। 12/10 को कैंसिल कर रहे हैं, 2 6 2 5। सो log 6 को लिख सकते हैं 2 × 3/5। हमेशा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। पावर्स फ्रंट में आएंगे तो 3/2 फ्रंट में आया, log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 3/2 log 10। चलिए इसके बाद करते हैं। ओके 12/10 रखते हैं क्योंकि आपको पावर तो 10 ही चाहिए था। 12 को लिख सकते हैं 2 square into 3/10 क्योंकि हमें यहाँ log 10 चाहिए। सो log 2 square प्लस log 3, 10 डिवाइड हो रहा था इसलिए माइनस होगा। So, यहाँ पे देखो सभी के सामने ना 3/2 था, खाली एक ये है जो 3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3/2 log 3 प्लस 3/2 × 2 log 2 माइनस 3/2 log 10। जबरदस्ती का सामने 3/2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 फ्रंट में आया, 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 10। अब मैं ऊपर में सभी में से 3/2 कॉमन ले सकती हूँ, बचेगा log 3 प्लस 2 log 2 माइनस log 10। नीचे भी देखो सेम है, 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 10। ये लोग दोनों तो कैंसिल ही हो गए, बचेगा सभी के सामने 3/2 था, खाली उसी के सामने एक 3 था, तो जबरदस्ती 3/2 मैंने लिखा, तो बैलेंस करने के लिए × 2 भी तो लिखना पड़े। अगर ये बहुत टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, log √27 प्लस log 8 माइनस log 1000 डिवाइडेड बाय log 1.2। इसे लिख सकते हैं हम लोग, जो भी प्लस में है वो मल्टीप्लाई होगा, जो भी माइनस में है वो डिवाइड होगा। तो √27 × 8 डिवाइडेड बाय √1000 होल थिंग डिवाइडेड बाय log 1.2। सो log √27 होगा 3³ to the power ½, 8 होगा 2³, 1000 होगा 10³ to the power ½। नीचे में log 1.2, ठीक है लाइन। सो ये हो गया log 3³/2, 2³/3, 10³/3/2 बाय log 1.2। यहाँ पे भी सेम, सभी के पावर में 3/2 था, एक 2 है जिसके पावर में वो है, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं 3/2 × 2 पावर में, सभी के पावर में से 3/2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 2 square 10 होल टू द पावर 3/2। देखो ये लाइन ठीक है क्या, तो ऊपर में 3/2 जो है वो तो फ्रंट में आ गया, 3 × 2² / 10, 3 × 4² / 10 यानी 12/10, 12/10 होता है 1.2। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा 3/2। वरना फ्रंट में कैसे लाऊंगी, जब तक होल पावर नहीं आता तब तक वो फ्रंट में नहीं आएगा। होल पावर तभी आ सकता जब सभी का पावर वो सेम, मतलब सेम बेस होने से होता है ना, यहाँ पे तो सब 3 नंबर्स अलग अलग।
ये वाला जो कैटेगरी है आपका यहाँ तक है, इसके बाद जो कैटेगरी है वो है जो मैंने बोला था हम लोग टेबल से करेंगे, दैट वन, ठीक है।